आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होती है HNO3 में। HNO3 में हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आज कैलकुलेट करनी है। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे देखें क्या होता है कि हमने वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की तफवीज़ के क्वाइट में आपने एक रूल पढ़ा था कि किसी कंपाउंड के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ जो है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। किसी कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ या उसका सम जो है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे, बाई अप्लाइंग फार्मूला इन कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इस किसके बराबर होता है, वो ज़ीरो के। इन केस ऑफ दिस कंपाउंड HNO3 इट बिकम्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 3 क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि HNO3 में ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम हैं। तो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो 3 को हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितने किसी मालिक्यूल में एटम होते हैं, एटमों की उस तादाद को हम उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के 3 एटम थे तो 3 को हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जिस तरह देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पीछे क्वेश्चन में बताया कितना है, +1 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो हमने कैलकुलेट करना है, +3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 3 HNO3 में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद को शो कर रहा है। HNO3 में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद 3 है तो हम 3 को -2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 0 के। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमूआ या सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का +1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना है, प्लस ये 3 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6 - 1, क्योंकि ये -6 है ये वाला, ये -6 और ये +1। ये +1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये -1 हो जाएगा। इस तरह ये -6 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये +6 हो जाएगा। तो लिहाजा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, यहाँ पे +5 निकलेगा। तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 या +5 है।